महापौर प्रमोद दुबे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर जोन क्रमांक 3 स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त और वीर सपूत के रूप में भारत माता के अनमोल रत्न थे। महापौर ने सभी नागरिकों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए मार्गों पर जीवन में आदर्श मानकर चलने को कहा, साथ ही जीवन को सार्थक बनाने के लिए उनसे सकारात्मक प्रेरणा शक्ति उनकी जीवनी पढ़कर प्राप्त करने का आह्वान किया। इस अवसर पर रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, नगर निगम संस्कृति विभाग अध्यक्ष राधेश्याम विभाग, वित्त विभाग अध्यक्ष अजित कुकरेजा, पूर्व पार्षद सुंदर जोगी, नेताजी सुभाष मंच रायपुर के अरुण भद्र सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस व्यक्तित्व नहीं विचार थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुए उसमें बहुत प्रमुख भूमिका उनकी रही है। आज अगर ईमानदारी से किसी माँ से अगर पूछा जाए कि वो कैसे बच्चों को जन्म देना चाहती है, तो वो निश्चित रूप से गर्व के साथ कहेगी कि मेरी कोख से सुभाष चंद्र बोस जैसा पुत्र पैदा होना चाहिए। नगर निगम के द्वारा हर साल इसके लिए बड़े आयोजन किए जाते हैं। इसके साथ ही नेता सुभाष चंद्र मंच जो हैं उनके भी साथी सब मिलकर इस ऐसे आयोजनों को लोगों के घर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और ये भी हमने आग्रह किया है कि रात को अगर बच्चा सोता है तो उससे पहले उसकी माँ जो है ऐसे महापुरुषों के बारे में ज़रूर एक कहानी सुनाए, ताकि बच्चे प्रेरित होकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो सके। मैं नेताजी सुभाष मंच के सभी साथियों को, इस वार्ड के पार्षद और MIC के सदस्य अजीत कुकरेजा जी को, जिनके योगदान के कारण नेताजी सुभाष मंच के बैनर तले देशभक्ति गीत प्रतियोगिता और बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो प्रेरणादायी होते हैं, मैं उनको भी अपनी ओर से, नगर निगम परिवार की ओर से बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, क्लिपर 28, रायपुर। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्लिपर 28 द डिजिटल मीडिया।